स्क्रीन पे दोस्तों आप देख सकते हो YT स्टूडियो में काफी बड़ा अपडेट आया है और काफी सारे क्रिएटर्स को मिल चुका है, काफी सारे को नहीं मिला है। आपको कौन सी सेटिंग करनी है जिससे कि आपको भी इस तरह का YT स्टूडियो मिल जाए। कुछ चीजें चेंज हुई है और कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब आपको समझ में आएगा। सबसे पहला आएगा जो चैनल का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार चेकआउट करना। अगर चैनल आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। देखो दोस्तों आपको बता दूं कि इस बाइक का जो नोटिफिकेशन यहाँ पे आया था वो इसने रिव्यू कर दिया है। रिव्यू करने के बाद में अब इसके पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा है और अगर हम यहाँ पे अर्न पे क्लिक करते हैं, अर्न पे क्लिक करने के बाद में नीचे की तरफ अगर आप जाओगे तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है क्या है, रिच रिक्वायरमेंट टू अप्लाई, यानी कि मोटिवेशन की जो अप्लाई क्राइटेरिया है वो अब हो गया है चेंज। अब क्या क्या यहाँ पे दिखाएगा, कैसे कैसे दिखाएगा मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होंगे जो कि इसने कर दिया 13341, जो कि यहाँ पे टिक का निशान आ गया है। अब यहाँ पे ये तो आपको कर रही है, चाहे आपका शॉर्ट का चैनल है चाहे आपका लॉन्ग का चैनल है। अगर आपका लॉन्ग के रिगार्डिंग चैनल है तो यहाँ पे 4000 घंटे का वॉच टाइम है और यहाँ पे जो है ना कितना हो गया है, 4 घंटे हुए हैं ओनली। नीचे की तरफ आप दोस्तों देख सकते हो यह है 1 करोड़। 1 करोड़ का मतलब होता है 10 मिलियन व्यू चाहिए होंगे और इसके अभी कितने हुए, 6.4 लाख हुए हैं, यानी कि 1 करोड़ में अभी 6.4 लाख हुए हैं इसके। उसके बाद ये बोल रहा है वी विल ईमेल यू वंस यू रीच द रिक्वायरमेंट। अगर ये रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे आ जाती है, कंप्लीट हो जाती है, इस तरह का टिक यहाँ पे लग जाता है तो हम आपको एक ईमेल सेंड करेंगे। साथ ही साथ लिखा है कंप्लीट द बेसिस, ठीक है, 2-स्टेप वेरिफिकेशन आपको ऑन होना चाहिए और यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अगर नहीं होगी, अगर होगी यहाँ पे तो क्रॉस का निशान लग जाएगा। उसके बाद है पास चैनल अंडर रिव्यू, यानी कि अब इसके सेक्शन डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 पे है रीच रिक्वायरमेंट्स टू अप्लाई, ठीक है, जिसमें कि आपको सब्सक्राइबर और वॉच टाइम आ गया। दूसरा है कम्प्लीट द बेसिस, ठीक है, तो यहाँ पे 2-स्टेप वेरिफिकेशन हो गया और यहाँ पे फॉलो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स होगी। उसके बाद है पास चैनल अंडर रिव्यू, तो यानी कि आपका 3 नंबर पे है कि आपका चैनल अंडर रिव्यू में जाएगा, उसके बाद अगर कंप्लीट हो जाएगा तो आपका चैनल यहाँ पे इजिली मोनेटाइज हो जाएगा। पहले के जो स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो पहले इस तरह से दिखाई जाता था और अब इस तरह से दिखाया जाता है, यानी कि YT स्टूडियो में चेंज हो चुका है। ये चेंज तभी होगा जब आपको ऊपर नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको मिलेगा, और उसके लिए आपको रिव्यू करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ऑप्शन मिलेगा। अब बात करते हैं ये आपको ऑप्शन कैसे मिलेगा। देखो ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको YouTube की तरफ से वेट करना पड़ेगा। काफी सारे क्रिएटर्स को रैंडमली मिलता जा रहा है और आपको भी मिल सकता है, हो सकता है आज मिल जाए, हो सकता है कल मिल जाए, तो ये चीज आपको याद रखनी है। 1-2 दिन में एक वीडियो और आने वाली है शॉर्ट्स के लिए, वो वीडियो जरूर से देखना, तो वो उस वीडियो में भी आपको काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसलिए भाई वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद।